अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है स्पेशली मेरे स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए है जो काफ़ी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं और वो जो है डेली बेसिस के ऊपर सवाल करते हैं, और न्यू व्यूवर्स ये परेशान ना हो कि भाई आप लोगों को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि आप लोगों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पुराने व्यूवर्स हैं उनके सवाल जो होते हैं वो फिर जस्टिफिकेशन के साथ जो है ना देना ज़रूरी होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कराची वाले तो वैसे आजकल परेशान है कि सिस्टम जो है कोई आ नहीं रहा, ना ही बारिश हो रही है, और अगर कोई सिस्टम आता हुआ नज़र भी आ रहा था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो में तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन आपके मैसेजेस आ रहे थे कि कोई सिस्टम आएगा, तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को रिप्लाई दे रहा था कि देखें कराची में विंटर में कोई इस तरह की तेज़ बारिश अव्वल तो होती नहीं है, और बहुत लाइट रेन होती है या फिर बूंदाबांदी होती है। तो मैंने इसके ऊपर सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इस वक्त जो करंट सिस्टम आप लोग ने देखा कि कराची में, कल भी मैंने वीडियो डाली थी कि कराची में जो थे बादल जो थे, अगर आप लोग ये सैटेलाइट इमेज देखें, ये करंट सैटेलाइट इमेज है, कराची में जो बादल हैं वो इसी तरह से आ रहे थे। और आज की जो ये करंट इमेज है, ये बादल अगर आप लोग देखें, ये हैवी हाई क्लाउड्स होते हैं, और इसमें जो अगर आप लोग देखें तो गुजरात सौराष्ट्र कच्छ रीजन सिंध का जो मशरकी इलाका है, यहाँ पे बादल मौजूद है। इवन कराची में आज बहुत कम बादल थे बनिस्बत कल के। तो ये तो करंट कंडीशन है कराची की। अब बात करते हैं कि बारिश आया कराची में होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले देखें, पैनिक ना किया करें आप लोग। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी चैनल को देखें, मैं कहता हूँ सबको देखें, सबको सुने, लेकिन जो उसका जो सम किया करें, उसको जब आप लोग सारे सुनने के बाद कंपाइल करते हैं उसको, तो चेकआउट किया करें कि कौन किस बेसिस के ऊपर बात कर रहा है। मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली सैटेलाइट इमेज के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है? तो सैटेलाइट इमेज के ऊपर फिलहाल अभी बादल दिख नहीं रहे हैं, और हमेशा मैंने बोला कि 24 आवर्स का जो वेदर होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि कल तक का वेदर किस तरह का होगा, क्योंकि 24 आवर के ऊपर हमें जो है ना कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। हालांकि कल मैंने शाम में ये कहा था कि जो ये बादल जो है, ये इसमें चांसेस तो है लाइट रेन के या फिर बूंदाबांदी के। तो जो बारिश होगी ना, वो स्पेशली कराची में एज सच हैवी रेन के तो चांसेस है ही नहीं, क्योंकि जो सिस्टम है वो जुमेरात की रात से जो है मगरबी हवाएं जो होंगी वो बलूचिस्तान के रास्ते एंटर होंगी सिंध में, और ये जो WD होगा ना, ये माइल होगा, यानी कि मुतदिल हवाएं होंगी, कोई हैवी WD नहीं है या बहुत पावरफुल WD नहीं है कि जो हैवी स्नोफॉल भी करे, ओले भी डाले गिराए, और बारिश भी तेज करे, ठंडर भी बहुत ज़्यादा हो। तो बेसिकली ये बलूचिस्तान में करेगा, एंटर होगा, और इसकी वजह से जो है जो सिंध के अपर एरियाज हैं वहाँ पे जो है, जो नेक्स्ट 3 डेज की या 2 डेज की जो प्रेडिक्शन है, जो डिफरेंट मॉडल्स दिखा रहे हैं, उसमें स्पेशली जो एरियाज हमें दिख रहे हैं, जो उसमें नज़र आ रहे हैं, उसमें जो बारिश के चांसेस हैं, यानी कि अब जो बारिश जो होगी स्पेशली सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो जुमेरात के रोज़, सॉरी जुम्मे के रोज़ जो है जो बारिश देखने को मिलेगी, उसमें जो इलाके शामिल होंगे दादू, खम्बर शहजाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, घोटकी, सक्कर, खैरपुर, नौशेरा फिरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मिठियारी, टंडवाला यार, उमरकोट, मीरपुर खास, ये एरियाज होंगे जहाँ पे गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। तो जहाँ तक कराची की बात है, तो कराची में क्लाउड कवर होगा, इसी तरह के हैवी क्लाउड्स आप हाई क्लाउड देखने को मिलेंगे, चंद एक मकाम पे हो सकता है कि बूंदे गिर जाए, जिसको हम बूंदाबांदी बोलते हैं। तो ये है कराची की नेक्स्ट 2 डेज की फोरकास्ट और करंट कंडीशन। अब आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या आप लोगों को बात समझाना चाह रहा हूँ। जहाँ तक अगर आप लोग देखें, ओवरऑल पाकिस्तान में तो इस वक्त खुश्क सर्दी है, ड्राई विंटर है, इसीलिए जो है पंजाब में आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई गई है, और आर्टिफिशियल रेन इस वजह से कराई गई है कि वहाँ पे जो स्मोग है, जो पॉल्यूटेड है, इवन दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि कोई WD तो आ ही नहीं रहा पावरफुल जो बारिश करे पूरे बलूचिस्तान में करे, और फिर KPK और स्पेशली पंजाब में करे। तो ये रीज़न है।
तो ये मौसम जो है 2 दिन तक तो कराची में इसी तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और लाइट क्लाउड जो हैवी जो अप हाई क्लाउड होते हैं, जिनको हाई क्लाउड बोल रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन तेज़ बारिश का या हैवी रेन का या मॉडरेट रेन का कोई भी जो है इम्कान मौजूद नहीं है। तो ये थी कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट। कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आए उनका प्रॉपर आप लोगों को रिप्लाई मिलता रहे। बाकी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।